हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी सिलेक्टर में। दोस्तों, आज मैं ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में आमने सामने की लाइन पैरेलल होती है, तो ए डी और बी सी पैरेलल लाइंस है और ये एक सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ है। उसके चारों वर्टाइसेस सेमी सर्कल के ऊपर बने हुए हैं। बी सी डी और ए ये वर्टाइसेस हैं। इस सेमी सर्कल की डायमीटर 8 है, 4 + 4, रेडियस 4, डायमीटर 8 है। इसकी साइड ए बी 2 है, बी सी डी भी 2 है और ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, देखने में ये बहुत ही आसान लग रहा है, लेकिन ये कैसे करेंगे ये सोचना है। इसको मैं आपको तीन अलग अलग मेथड से बताऊंगा। पहला राइट हाइपोटेनियस थ्योरम से बताऊंगा, दूसरा टॉलेमिस थ्योरम से और तीसरा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये शुरू करते हैं हमारा पहला मेथड। पहला है राइट हाइपोटेनियस थ्योरम। दोस्तों, राइट हाइपोटेनियस थ्योरम में थ्योरम इस तरह से है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जाए और उसमें इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो ए बी का स्क्वायर ए डी इंटू ए सी होता है। इसी तरह बी सी का स्क्वायर डी सी इंटू ए सी होता है और बी डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए डी इंटू डी सी होता है। तो यहाँ पर मैं इसको यूज करके यहाँ से इस लाइन को मिला देता हूँ। एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ई, तो ए बी का स्क्वायर होगा बी इंटू बी सी। ए बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर है, बी ई निकालना है और बी सी की लेंथ 8 है, तो 2 का स्क्वायर 4/8 हुआ एंड बी ई हो गया हमारा 1/2। तो ये हाफ सेंटीमीटर, यहाँ से ये लाइन हाफ सेंटीमीटर हुई। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये लेंथ भी हाफ सेंटीमीटर होगी। सेम राइट हाइपोटेनियस थ्योरम से इसको अगर मिला दिया जाए, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ये सी एफ भी हाफ सेंटीमीटर होगा। अब देखिए ई एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ई एफ की वैल्यू बी सी में से बी ई और सी एफ आधा आधा माइनस कर दे, हाफ माइनस कर दे, बी सी 8 हाफ हाफ 1 7 सेंटीमीटर हुआ। तो ये लेंथ 7 सेंटीमीटर है EF की और ये ADEF एक रेक्टेंगल बन गया क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलोग्राम भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। EF की वैल्यू AD के बराबर होगी, तो AD भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये मेथड था राइट हाइपोटेनियस अप्रोच। आइए दूसरा मेथड देखते हैं, टॉलेमीज थ्योरम। तो टॉलेमीज थ्योरम एक साइक्लिक क्वाड्रेटर में होता है। साइक्लिक क्वाड्रेटर की डायगोनल्स का प्रोडक्ट AC और BD का प्रोडक्ट उसके आमने सामने की साइड्स के प्रोडक्ट का सम होता है, ABCD AD इंटू BC। यह है टॉलेमीज थ्योरम। तो ये देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर मैं AC को ज्वाइन करता हूँ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी 8 का स्क्वायर, ए बी 2 का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। 8 का स्क्वायर 64, 4 प्लस ए सी का स्क्वायर, 64 माइनस 4 इज 60, ए सी का स्क्वायर, सो ए सी इज अंडर रूट 60। तो दोस्तों, इसी तरह से बी डी भी अंडर रूट 60 होगा। सो ए सी हमारा वैल्यू अंडर रूट 60 आया और बी डी भी अंडर रूट 60 आएगा। अब अप्लाई करते हैं टॉलेमीज थ्योरम, जिसमें दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट आमने सामने की साइड्स के प्रोडक्ट का सम हुआ, ए बी इंटू सी डी, ए डी इंटू बी सी। ए सी अंडर रूट 60 है, BC अंडर रूट 60 है, AB 2 है, CD भी 2, AD की वैल्यू 8 और BC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
AD x है और BC की वैल्यू 8 है, ये 60 हुआ, ये 4, 8x, 60 माइनस 4 इज 56, 8x, x की वैल्यू 56 बाई 8, 7 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ गई। ये था हमारा टॉलेमीस थ्योरम वाला अप्रोच। आइए देखते हैं दोस्तों इसका तीसरा अप्रोच जो है पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, ओ ए को मिलाया, ये भी रेडियस है इस सेमी सर्कल की जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। यहां से एक परपेंडिकुलर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये वैल्यू एक्स, ये 4 माइनस एक्स और ये एच, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सपोज ये वैल्यू ई है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ए की वैल्यू एच है, बी की वैल्यू एक्स है, ए बी 2 का स्क्वायर, सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहली क्वेश्चन बनी। अब ट्राइंगल ए ओ ई में देखें अगर, तो ए ओ का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर होगा, ए ओ 4 सेंटीमीटर है तो 4 का स्क्वायर, ए ई एच है, ओ ई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर 16 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर माइनस है तो सारे साइन चेंज हो गए, ये दोनों एच स्क्वायर के बराबर है, ये कैंसिल हो गया, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 4 इज इक्वल टू 8x, x की वैल्यू 4 बाई 8, तो x की वैल्यू आ गई 1 बाई 2, सो दिस वैल्यू इज 1 बाई 2। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग 1 बाई 2 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा 8 सेंटीमीटर था, उसमें से 1 और 1 हाफ और हाफ 1 माइनस होगा, तो ई एफ की वैल्यू 7 हो जाएगी, ई एफ विल बी इक्वल टू बी सी माइनस बी माइनस सी एफ, बी सी 8 और दोनों में उसमें से दो बार हाफ माइनस किया तो 7 आया ई एफ, ए डी भी 7। दोस्तों इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग तीन अलग अलग डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को